प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज की वीडियो देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो शूट की थी कि मैं घर पे अपने बालों को हाईलाइट कैसे करती हूँ, जिसको आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपने बालों को दोबारा से हाईलाइट करूँ और अगेन शूट करूँ। पर दिस टाइम हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक्चुअल वो वाले प्रोडक्ट जो हेयर के लिए बने हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किए थे वो हमारे फेस के लिए, एक्चुअली मैंने ब्लीच किया था मेरे बालों को। आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ। आर यू गाइस रेडी? ड्रम रोल प्लीज। थरा तो या मेरे बाल कुछ इस तरह के हाईलाइट हो गए हैं। जस्ट चेक। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगी कि हम लोग अपने बालों को ब्लीच करने वाले हैं, पर अपने बालों को ब्लीच करना बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है। आप इसको अपना रूटीन मत बनाएं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो आप वंस इन अ वाइल ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते, पर अगर आपके बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज है तो प्लीज़ मत करें, क्योंकि ब्लीच बालों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको अपने बालों को ब्लीच करना है तो मेक श्योर करें कि उस दिन करें जब आपके बाल धोने के लिए रेडी हों, लाइक उसमें नेचुरल ऑयल निकला हो, बहुत ही ऑयली से बाल हों आपके। सो अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो मेक श्योर करें कि जब आपको ब्लीच करनी हो उससे एक दिन पहले अपने बालों को डीप कंडीशन कर लें। कोई अच्छा सा मास्क घर का बना के, लाइक बनाना यूज़ कर सकते हैं, एवोकाडो कर सकते हैं, दही करें उसमें ऑलिव ऑयल डाल लें, या फिर सिंपल अच्छा सा कोकोनट ऑयल लें और उसको इतना ज़्यादा ड्रेंचिंग वेट कर लें अपने बालों को ताकि अच्छी तरह कंडीशन हो जाए। उसको रहने दो 2-3 घंटे, उसके बाद वॉश कर लें। बहुत ज़्यादा धो धो के वॉश मत करें, थोड़ा सा गंदा भी रहेगा तो चलेगा। देन नेक्स्ट डे आप ब्लीच कर लें। ये चीज़ें करनी इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आपके बालों को डैमेज थोड़ा कम हो, और ब्लीच करने के बाद भी कोशिश करें कि आप बहुत सारे मास्क यूज़ करते रहें ऑन रेगुलर बेसिस, ताकि आपके बालों की हेल्थ मेंटेन रहे, अपने बालों को ऐसे ही छोड़ मत दें। सो अब हम लोग करने वाले हैं डेमो। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कौन सा प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया, कैसे किया और कितनी देर रखा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ देखते रहिए। सो आज के इस प्रोसेस में जो दो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करने वाले हैं, फर्स्ट वन है ये आइसक्रीम से डस्ट फ्री ब्लीचिंग पाउडर, और दूसरा है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसकी वॉल्यूम 20 है। आई गेस आप 30 भी ले सकते हैं, पर मैंने 20 चूज़ किया, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न। और ये प्रोडक्ट आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं? ये आप किसी भी सुपर स्टोर से बालों वाले एरिया में, स्पेशली जहाँ पे हेयर कलर्स पड़े होते हैं, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। मैंने मेरे ये दो प्रोडक्ट शॉपर्स ड्रग मार्ट से ख़रीदे हैं। मुझे लगता है कि इसका प्राइस $6 और $7 each था। अब हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके का एक क्रीमी पेस्ट बना लेंगे। उसके लिए इस पैकेट में पाउडर है ये पर्पल कलर का, 35 grams। मुझे लगता है कि मेरे बालों के लिए ये इनफ रहे, पर अगर आपको लगता है कि आपके बाल लंबे हैं और आपको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, आप ऐसे और पैकेट्स यूज़ कर सकते हैं। हर एक 35 ग्राम में आपको 70 ml हाइड्रोजन मिक्स करनी है। सो आप चीज़ें मेजर करके ही यूज़ करें ताकि कोई भी गलती नहीं हो। सो मैंने ये मेजरिंग कप लिया है जिसमें मैंने 70 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले ली है। इसको मैं ये पर्पल पाउडर में डालूंगी, जो कि कितना क्यूट लग रहा है। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करके क्रीमी कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना लेंगे। मेक श्योर करें इसमें लंप्स नहीं हो, और वंस इट्स रेडी टू यूज़। गाइस कैन सी कि जो मेरे बाल हैं इस समय बहुत ज़्यादा ऑयली हैं। सो हमें ऐसे ही बाल चाहिए ताकि कम डैमेज हो। सो सबसे पहला काम करेंगे, बालों को कॉम कर लेंगे। सो बालों को मैंने कॉम कर लिया, अजीब लग रहा है क्योंकि बहुत ही ऑयल है। सो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे बाल कुछ ऐसे दिख रहे हैं। अभी 15 months से ज़्यादा हो चुके हैं कि मैंने अपने बालों को ब्लीच किया था, पर आज तक जितने भी समय मैंने अपने बालों को ब्लीच किया, मैंने हमेशा फेस पे यूज़ करने वाली ब्लीच की है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं एक्चुअल बालों पे यूज़ करने वाली ब्लीच कर रही हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि रिजल्ट कैसा होने वाला है। सो दिस इज़ अ काइंड एक्सपेरिमेंट, देखते हैं मेरे बाल अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं। सो मैं तरीका वैसे ही यूज़ करूँगी, मैं सिर्फ अपने इस एरिया को करूँगी जैसे मैं करती हूँ कि अपने बालों को टाई कर देती हूँ 2 चोटियों में और इनको कोट कर देती हूँ ब्लीच के साथ। देन हम इसे रहने देंगे थोड़ी देर के लिए। इसे बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पर रेकमेंड है कि मैक्सिमम 35 मिनट रखें, पर मुझे लगता है कि हम 15 मिनट ही रखेंगे कि हमारे बालों का रंग काफ़ी डार्क है, तो आई डोंट नो वो कैसा टर्न होगा। आई एम वेरी स्केयर्ड मैन, आई एम वेरी स्केयर्ड।
सो यार मैंने अपने बालों को दो चोटियों में कर लिया है और कोई भी वैसे मैं ऐसे कोई प्रिसाइजली कि यहाँ पे लगाऊंगी ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे लगेगी लगेगी, अब देखते देखते जाते हैं। पहले जो मैंने फेस की ब्लीच इस पे करी थी उसका अभी भी कलर है, देख सकते हैं आप। वैसे उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे, अगर आप इंटरेस्टेड है मैं उसे छोड़ दूंगी, वो आपने काफ़ी पसंद की इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये भी फिल्म करनी चाहिए। अब मैं ये किचन वाले ग्लव्स डालने वाली हूँ क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग हैं और लंबे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं मर्डर करके आई हूँ। ये ऐसे ग्लव्स मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मैं साइंस प्रोजेक्ट करने वाली हूँ, सो आई एम रेडी टू टेस्ट। ओके, ओह माय गॉड, ये पूरा बैकग्राउंड के साथ मैच हो गया मैन। इट्स ओके, मेक श्योर करें कि जो आपने कपड़े पहने हैं अगर वो ख़राब हो जाए तो आपका चलेगा। अगर आपकी अच्छी टी शर्ट है तो प्लीज़ उसे चेंज करके गंदी टी शर्ट पहन लीजिए। मैं तो कहती हूँ कि पति की कोई पहन ले ताकि अगर ख़राब भी हो तो उनकी हो। सो यार अभी इसे स्पून पे लगाते हैं। ये काफ़ी थिक क्रीमी सा है, इतना इसके गिरने का खतरा कम ही है, तो हम ऐसे बालों को कोट करना शुरू करते हैं। आई स्केयर्ड हूँ मैन, आई डोंट नो कैसा होगा, गंदे वाले गोल्ड नहीं हो जाए। ऐसे धीरे धीरे हम करते जाएंगे। वैसे आपके बालों पे डिपेंड करता है कि आपको कितने पैकेट्स चाहिए। मैंने सिर्फ एक ही पैकेट यूज़ किया है जिसमें 35 ग्राम था ये पाउडर ब्लू। इसका वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बिल्कुल फेस के ब्लीच के जैसे ही है वैसे तो, पर या जैसे फेस की ब्लीच होती है ना, वैसे जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है मुझे अच्छी लगती है। सो मैंने कुछ ऐसे एक एक बालों को लेके तो कोट किया नहीं है, ऐसे कर दिया है। ऐसे थोड़ी देर ऐसे छोड़ लेते हैं, दूसरी तरफ कर लेते हैं, देन हम ऐसे रीकोट कर देंगे। अब ये जहाँ पे टच करेगी वहाँ से कपड़े का रंग भी उतर जाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मैन, ये फेस की ब्लीच इतनी स्ट्रांग स्मेल नहीं होती है, पर अगर आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं तो ये सब तो सहना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यू नो गोल्ड और लाइट रूट्स, इसलिए कर रही हूँ मैं। वैसे भी हम लोग हॉलीडेज प्लान कर रहे हैं, उससे पहले भी जाने से पहले मैंने सोचा क्यों नहीं चेंज कर लेते लुक। सब बच्चे हुए को भी मैं इसके ऊपर ही लगाने वाली हूँ। सो वी आर डन, मेरे कपड़े बुरी तरह ख़राब हो चुके हैं। सो मैं मिलूँगी आपको 15 मिनट में, इससे ज़्यादा नहीं। ओके बाय। तो मैं वापस आ चुकी हूँ, अभी 15 मिनट हुए नहीं, अभी भी बाकी है समय, और मैंने ग्लव्स उतार दिए हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं वापस आ चुकी हूँ और अभी मुझे ये ब्लीच लगाए 10 मिनट्स नहीं हुए हैं, 9 हुए हैं, और ये ऑलरेडी काफ़ी गोल्ड लग रही है। और आई एम वेरी स्केयर्ड कि अगर मैं ज़्यादा देर वेट करूँगी तो कैसे हो जाएगा, पर फिंगर्स क्रॉस हम लोग वेट करेंगे 10 और मिनट, देखी देखी जाएगी। मैंने 33 पे लगाया था, अभी 42 हुए हैं, सो 9 मिनट्स हुए हैं, 33 पे हम लोग इसे रिमूव करेंगे। सो स्टिल माई वेटिंग गेम्स ऑन, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, मूव भी नहीं होना चाहती हूँ मैं, बालों को ऐसे ऐसे नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत स्केयर्ड हूँ। आई वांट समथिंग, आई रीड समथिंग, बट आई रीड, यहाँ छोड़ा है। आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप कुछ रीड करना चाहते हैं और आपके पास रीड करने के लिए मटेरियल नहीं है तो आप कोई प्रोडक्ट उठाते हैं और उसकी इंस्ट्रक्शन, इंग्रेडिएंट्स और सब कुछ पढ़ लेते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसे होता है? मैं हमेशा ऐसे करती हूँ। सो जब मैंने ये रीड करना फिनिश कर दिया, मैंने इसको वापस रख दिया, मैंने तो देखा कि क्या करूँ क्या करूँ, दोबारा फिर पढ़ गया, मैं सेम चीज़ें दोबारा पढ़ लेती हूँ। ओके, सो मुझे ये ब्लीच को लगाए हो गए हैं कितने मिनट्स, 18 मिनट्स, 2 मिनट रह गए हैं और मुझे लगता है कि मैं जाके तैयारी करती हूँ इनको धोने की, तब तक 20 हो जाएंगे। और जहाँ जहाँ से मैंने ब्लीच लगाई थी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा गोल्डन हो चुका है। इन साइड जहाँ पर मैंने ब्लीच नहीं लगाई थी वहाँ पे नहीं हुआ है, दैट्स वेरी गुड। मुझे थोड़ा ऐसे ही यू नो रफ एंड टफ चाहिए, सो वॉश करके आके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। ओके दोस्तों, मैं वापस आ चुकी हूँ और मेरे बाल अभी वेट है, पता नहीं कलर कितना पता चलेगा। और मैंने 18 मिनट ही रखे हैं बाल, बट या काफ़ी ज़्यादा कलर आ चुका है। सो यार कलर कुछ ऐसा लग रहा है, पता नहीं अब बालों में इतना अंदाज़ा नहीं आ रहा है, पर यार रफली आप देख सकते हैं कि बाल कुछ ऐसे हो गए। मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ जब मेरे बाल सूख जाएंगे, अराउंड 4-5 घंटे में, पर आपके कुछ ही सेकेंड्स में। सो या आई बी बैक। तो
आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा कि ऐसे मेरे बाल लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लीच हो गया और ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि 15-16 मिनट में मेरे बालों की हालत कुछ ऐसी होगी। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप ब्लीच करते हैं बहुत ही कम समय के लिए रखें, क्योंकि यू नो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है ये मैन, हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं रखनी है। अनलेस आपको पूरे यू नो ब्लॉन्ड से बाल चाहिए तो आप पे डिपेंड करता है, पर मैं रेकमेंड करूँगी 10-15 मिनट, पर 30 से ज़्यादा कभी मत करें। दैट्स इट, आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। आई रियली होप कि आप ये ट्राई करेंगे और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगा। और अपने बालों की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना, बस गलत चीज़ें यूज़ करके अपने बालों को ख़राब मत कर लेना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, सब्सक्रिप्शन बटन वहाँ पे है, उसको क्लिक करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें और कमेंट बार में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक बटन को क्लिक ज़रूर करना, उससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं या नहीं। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर beautiful the way you are. Stay happy, confident and strong. The guys can do any freaking thing.